ही गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं ले रही हूँ अपनी हर्बल टी। ये मैंने अभी कुछ लगभग 1 साल से लेना स्टार्ट किया और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सुबह की जो नॉर्मल टी होती है वो थोड़ा सा एसिडिटी बनाती है और ये एसिडिटी को कम करती है। सो अभी क्या हो रहा है किचन में, आज किचन में ना जो पुराना बचा हुआ खाना होता है उसको कैसे आप रीयूज करके नया बना सकते हो, उस तरह का कुछ हो रहा है। तो हो क्या रहा है बेसिकली, कल ना हमने इडली बनाई थी तो इडली का बैटर बच गया था, लेकिन वो बैटर बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि सबके लिए हो जाए, सभी मेंबर्स के लिए, और इतना कम भी नहीं है कि वेस्ट कर दो उसको। तो हमने डिसाइड किया कि हम इसमें थोड़ा सा सूजी डालेंगे। तो हमने इसमें सूजी डाला है, थोड़ा नमक डालकर इस बैटर को हम जैसा कि नॉर्मल बैटर होता है इडली का वैसा कर लेंगे, बस थोड़ा सा पानी डाल के। और इससे आज हम तैयार करने वाले हैं एक बढ़िया सा नया ब्रेकफास्ट जो कि काफ़ी हेल्दी भी है और टेस्टी भी है और एकदम डिफरेंट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि घर में खाना पीना बचता ही रहता है और यदि आप उसको तैयार करके रख लेते हो ना तो सेम वही रिपीट हो जाता है। जैसे कल भी इडली खाई थी हमने, फिर आज फिर से हमें इडली खानी पड़ती। तो आजकल कोई इस तरह से खाना पसंद नहीं करता, स्पेशली बच्चे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रास्ता है, आप सेम बैटर से कुछ डिफरेंट डिफरेंट तैयार कर लो और बैटर को उठा कर रख लो यदि बच रहा है काफ़ी सारा। तो इसकी कंसिस्टेंसी हमने वैसी ही कर ली है जैसे कि आपको इस टाइम पर चाहिए। नेक्स्ट ये है मेरे पास बॉइल्ड आलू। हम इन बॉइल्ड आलू में थोड़ा सा मसाला डाल रहे हैं जैसे कि मिर्ची, धनिया, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा नमक और हल्का सा गरम मसाला पाउडर। यहाँ कढ़ाई हमारी ऑलरेडी गर्म हो चुकी है, बस इसमें हमने जीरा डाला और इसको, सॉरी जीरा नहीं डाला, इस वाले में हमने डाला राई यानी सरसों के दाने। और इन आलूओं को हमने एकदम कुचल कुचल कर मैश करते हुए एकदम से भुरता बना लिया है इसका, जैसे एकदम हम इसको कुचल देते हैं ना आराम से। और दूसरी साइड जो बैटर था उसके हमने तवे पर इस तरह के पतले पतले से राउंड शेप के चीले टाइप के बनाए हैं। तो बेसिकली आज ये बनेगा क्या, ये बन रहा है हमारा इडली सैंडविच। तो ये डिफरेंट भी हो जाएगा और काफ़ी बढ़िया लगता है ये खाने में। इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट होता है। इसका एक सबसे अच्छा फ़ायदा जो मुझे लगता है वो होता है कि आप ब्रेड नहीं खाते हो जिसमें कि ईस्ट पड़ा होता है, और ब्रेड का आपको पता भी नहीं होता कि कितने टाइम पुरानी है, चाहे आप ब्राउन ब्रेड ही खा रहे हो लेकिन कभी कभी तो खा सकते हो। तो हमने इसको एक साइड से तो अच्छे से सेका था, एक साइड से हल्का सा और सेक लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये मैश्ड आलू बनाए हैं यहाँ पर एक एक साइड पर हम इसको लगा देंगे और बस इसको कवर कर लेंगे। और ये रेडी हो चुका है हमारा आज का नया नाश्ता जो कि सेम बैटर से ही बनाया है लेकिन एकदम डिफरेंट है। और ये काफ़ी क्विक भी है, इसी तरह से हम और भी जो भी नाश्ता बनाएंगे वो और तैयार कर लेंगे। सो मुझे ज़रूर बताना ये वाला नाश्ता आप बनाते हो मॉर्निंग में या नहीं बनाते हो और आपको कैसा लगा है। तो अभी तो हम इंजॉय करेंगे अपना नाश्ता, उसके बाद अब मैं आपसे मिलती हूँ। तो इसे ना हम ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं जो कि धनिए की चटनी होती है, धनिया मिर्च, आप उसमें थोड़ा सा दही टमाटर डाल दो और सारे मसाले डाल दो। तो ये काफ़ी अच्छी सी चटनी बन जाती है और उससे आप इसको एंजॉय कर सकते हो।
ये दोस्तों, सो जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया कि आज किचन में कुछ कुछ ज्यादा ही सामान बच गया था, तो उसको खत्म करने के लिए हमने काफी सारे सब्स्टिट्यूट तैयार किए। तो आप देख सकते हो हमारे बेड की कंडीशन, काफी सारे कपड़े आपको पड़े हुए दिखेंगे। तो ऐसा ना कई बार होता है, ये पहली बार नहीं हुआ है। जब भी आपको वीडियो शूट करना होता है, तब आप कपड़े चूज करना स्टार्ट करते हो। जैसे लेट हो गया, घर का काम किया, उसके बाद ना कपड़े खराब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो आपको लगता है चलो चेंज कर लेते हैं। चेंज कर लो, फिर आपको समझ में नहीं आता कि कौन से कपड़े आपको चूज करने हैं, तो इसलिए ऐसी हालत हो जाती है। एंड आज ना मुझे एकदम से क्लिक किया, अभी ना मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था एक ऐप के बारे में, मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बताया जाए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है। बिकॉज समर वैकेशन आ रहे हैं, तो उसने मुझे इसीलिए बताया था कि समर वैकेशन आ रहे हैं। ये है पंखुड़ी ऐप, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है। इसमें ना जैसे फेसबुक और यूट्यूब पर क्या होता है ना, बहुत सारा कंटेंट है, आप देखने कुछ बैठते हो, सीखने के लिए कुछ और बैठते हो, और स्क्रॉल करते रहते हो, और आप वो चीज़ नहीं देख पाते जो आपको चाहिए। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई रिप्लाई चाहिए होता है, लेकिन आपको इतनी जल्दी रिप्लाई नहीं मिल पाता है। सो इस ऐप में ना सभी तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे बेकिंग है, नेल आर्ट है, सारे कुकिंग से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज हैं, आपको मेकअप से रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। और यदि आपके घर पर टीनेजर हैं, बच्चे हैं, या आप खुद भी छोटे मोटे कोर्सेज करना चाहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे इस पे आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको यहाँ पर ना लोगों से चैट भी कर सकते हैं, नई नई चीज़ें भी सीख सकते हैं। उसी के साथ जब भी आप कोई कोर्स परचेज करते हैं, आपको मिलते हैं कई सारे रूवीज जिनसे आप ब्रांडेड प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे कि आप आईलाइनर वगैरह ले सकते हैं, सीरम ले सकते हैं। उसी के साथ ये प्रोडक्ट आप जीत भी सकते हैं इस ऐप पे। सो मुझे तो ये ऐप बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, मुझे लगा इसे डेफिनेटली चेक जरूर करना चाहिए। और इसका ना ये एक डिस्काउंट कूपन भी है जो मेरे पास है, वो मैं आपको स्क्रीन पे भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। आप इसको डेफिनेटली एक बार जरूर चेक कीजिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप आज ही इसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये जो कूपन है ये केवल 5 दिन के लिए वैलिड है। यदि आप इसको आज ही डाउनलोड कर लेंगे इस कूपन के साथ, तो आपको 5 दिन के अंदर अंदर जो भी डाउनलोड करेगा उसका फर्स्ट कोर्स हो जाएगा बिल्कुल फ्री। सो ऐसा मौका क्यों गंवाना, आपको यदि एक कोर्स बिल्कुल फ्री मिल रहा है और आप क्रिएटर से बात भी कर सकते हैं, तो बहुत ही अमेजिंग है, एक बार जरूर ट्राई करना। सो कूपन कोड भी नीचे है, लिंक भी नीचे है, आप डेफिनेटली एक बार जाके जरूर एक कोर्स फ्री में जो मिल रहा है वो करना, और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आप बहुत सारे कोर्स करेंगे यहाँ पे डेफिनेटली। एंड अब मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या बनाया आज हमारे यहाँ लंच में, जो कि जो भी कुछ बचा हुआ था उससे ही हमने प्रिपेयर किया है। मैंने बोला था ना जैसे कि आलू की टिक्की बनाई थी, तो उससे आलू और पनीर बचा हुआ था, और ये कुछ हमारे वेजिटेबल्स बच गए थे जिससे हमने एक मिक्स वेज की सब्जी तैयार की आज। सो फाइनली ये है हमारा लंच, आपको कैसा लगा है प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना।